हेलो जी, जय राम जी की। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? और नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और वीडियो स्टार्ट हो रहा है जयपुर रेलवे स्टेशन से। हम लोग जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे हैं। पूरी फैमिली की हालत है ख़राब, आप सबको पता ही है कि जिस कंडीशन में पहुँचे हैं। तो बस ऐसे ही पड़े हुए हैं स्टेशन के ऊपर, अपनी जो भी बेडशीट वगैरह थी ना वो डाल करके, और थोड़ी देर के लिए सोचा है कि यहाँ पर आराम करें, क्योंकि अगली ट्रेन आने में 4 से 5 घंटे हमें लगेंगे। तो जब तक यहीं पर बैठना पड़ेगा, और ये यहाँ 4 से 5 घंटे का जो हमने टाइम लिया है, ये हमारा बहुत ही गलत फैसला था। मतलब वो बोलते हैं ना कि बच्चों के लिहाज से, बुज़ुर्गों के लिहाज से बहुत गलत फैसला था। 8:40 पर हमारी नेक्स्ट ट्रेन थी और हम लोग पहुंच गए थे शाम को 4 बजे। तो इतना गैप जो बीच में डाला ना, वो गलत था। हमें बस से निकल जाना चाहिए था, ये दूसरी गलती थी हमारी। तो यहाँ खाना लेने के लिए आए थे, क्योंकि रात का खाना खाना था, और दोपहर में वैसे भी ढंग से कुछ भी नहीं खाया था। स्टेशन पे वो पूड़ी सब्जी मिलती है ना, जो कि बच्चों के पेट में दर्द करके गई थी, बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, वो खाई थी। और यहाँ पर ये वाला खाना भी थोड़ा सा नुकसान ही किया था, ले लिया था, लेकिन क्या करें, भूखे मरते तो इंसान कुछ भी लेगा। तो यहाँ से ये खाना लिया, ये भी बच्चों के पेट में दर्द करके गया। और यहाँ ये वाली जो क्लिप है, ये है दोबारा से ट्रेन में बैठने की, रात को 8:45 की। तो यहाँ बैठने के बाद में फिर निकल लिए हैं, और अब यही ट्रेन हमारे चिड़ावा से होकर के मैंद्रीगढ़ जाएगी। तो हम लोग चिड़ावा उतरने वाले हैं, और हमारी शक्ल देख सकते हो आप। और इस ट्रेन में बहुत ही खतरनाक भीड़ थी, सारी मतलब जो एनर्जी थी ना उसको ख़त्म करने वाली भीड़ थी, और सब लोग परेशान थे बुरी तरह से। मतलब क्या बताऊं मैं आप लोगों को। और अभी ये वाली क्लिप है, ये शाम के हम पहुंचने के बाद अगले दिन शाम की क्लिप है। और अब बनाई है चाय, क्योंकि कुछ गेस्ट आए थे तो सबके लिए चाय बनाई थी। अब मैं आप लोगों से फेस कैमरे में बात करूंगी वहां से आने के बाद में पहली बार। तो चलिए मिल, तो उन्होंने ये कैब करवा दी थी। ये भी हमें 8,000 में सस्ती पड़ गई थी, क्योंकि वो जा रही थी गाड़ी आगे अहमदाबाद, तो रास्ते तक के लिए हमने की थी, तो इसलिए हमारे ये थोड़ा सा ठीक पड़ गया, नहीं तो और भी महंगा पड़ता। और ख़ुद का जब पर्सनल व्हीकल होता है ना, तो बच्चे आराम से आ सकते हैं, चाहे वो हमारी गोद में बैठ कर आए। लेकिन फिर भी जो बस जाती है ना, तो बस वाले भैया ने क्या कहा था, 3 सवारी एक में भेजेगा, बाकी सवारी एक में भेजेगा, बच्चे आधे इधर एडजस्ट होंगे, आधे उधर होंगे, सामान रखा जाएगा डिग्गी में, जो निकालने में भी उतनी परेशानी होगी। हमारे 13 बैग दे, सोच कर देखिए 13 बैग लेके चलना कितना मुश्किल भरा काम होता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, इस विजिट से एक एक्सपीरियंस लिया कि कभी भी कहीं भी जाए ना, तो पूरी फैमिली को एक साथ नहीं जाना चाहिए। जैसे थोड़े दिन पहले वो उड़ीसा वाली घटना हुई थी, तो उसमें जो इस तरीके से गए हुए थे ना, तो उनका तो पूरा का पूरा परिवार ही खराब हो गया। तो वो चीज़ सोच कर ना एक टाइप से डर लगता है। हम लोग सारे वहाँ थे, और एक साथ जैसे बच्चे भी, बुजुर्ग भी, और हम लोग भी, तो सब लोग फंस जाएँ तो इतनी टेंशन हो जाती है। जैसे थोड़े होते हैं ना लोग, कम लोग होते हैं, तो वो निकलने में आसानी रहती है कहीं भी जाएं। तो अब 7 लोग तो हम बड़े थे, अब 4 बच्चे हमारे साथ, टोटल 11 लोगों के लिए। तो फिर होता है ना कि गाड़ी भी मिले तो किसी में 4 सीट, किसी में 3 सीट, तो उसमें यही होता है कि एक साथ तो वो लेके नहीं जा रहे कहीं भी। मतलब हमें राजकोट के लिए निकलना था रात को, तो एक साथ के लिए तो वो पॉसिबल नहीं था। ऊपर से 7 सीटर गाड़ी ही मिलती है ज़्यादा बड़ी से बड़ी, तो 7 सीटर में भी परेशानी आती है। तो कभी भी कहीं भी निकले ना, तो कंप्लीट फैमिली जो होता है ना, वो नहीं निकलनी चाहिए मेरे ख्याल से तो। और बाकी अपनी अपनी मर्जी होती है, ये वैसे भी गलत रहता है। अब सोच कर देखिए, कुछ भी अगर अनहोनी होती है, तो हम मेरा तो पूरा परिवार ही साथ है, अरुण, ज्योति और श्री को छोड़ करके, मैं, मम्मी, अर्जुन शर्मा जी और आरती की पूरी फैमिली, हम लोग एक साथ है। अगर कुछ भी छोटी मोटी घटना होती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सोच करके ना ये हो रहा था कि, और देखें अभी यहाँ घर पहुँचने के बाद में ये चीज़ें, और आप लोग वीडियो में देख रहे हो, आप लोगों के लिए छोटी होगी, लेकिन जो फेस करता है ना उसके लिए बहुत बड़ा होता है, कि एक एक वो टाइम, एक एक पल जब पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। और वहाँ के लोग जो लोकल है ना, कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ के लोग भी तो रह रहे हैं, कुछ कुछ नहीं होता ऐसे। हाँ, द्वारकाधीश जी पर पूरी श्रद्धा है, बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन अभी आप लोग देख रहे हो किस तरीके से वहाँ पर सिचुएशंस हैं। और जो NDRF की टीम वगैरह हैं, जो वहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है, वो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, वो लोगों को पहुँचा रहे हैं अपनी जगह पे, तो वो भी एक टाइप से उतना सेफ और उतना वो नहीं है। वो होता है ना कि हेल्थ के हिसाब से, हर एक चीज़ के हिसाब से परेशानियाँ उसमें भी बहुत हैं। वहाँ वो लोग सही जगह पर पहुँचा देते हैं आराम से, वहाँ पर जैसे किसी को स्कूल में छोड़ा, हम लोगों के सामने ही हमने देखा था
जैसे झोपड़पट्टी वालों को या फिर जो लोग बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में गए थे जो नहीं पहुंच पा रहे थे अपनी जगह पे अपने घर पे, उन लोगों को स्कूल में और जो होते हैं ना कि ये निजी संस्थाएं होती हैं उनमें उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था। तो वहाँ पर जिन बच्चों लोगों के साथ बच्चे थे उन लोगों की क्या हालत हो रही होगी, क्योंकि जो टीम की तरफ से जो खाना प्रोवाइड कराया जाएगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, वो तो एक टाइम पर होगा। जब तक बच्चे क्या करेंगे, भूखे रहेंगे ना, बच्चे रोएंगे, हेल्थ भी ख़राब होगी, वो सारी चीज़ें ना सोचकर भी इंसान डर जाता है। अब शिवांश फिर भी चलो थोड़ा बड़ा है, श्री ना वो आरती का बेटा तो बहुत छोटा, उसको थोड़ी ना पता है कि हम लोग किस तरीके से फंसे हुए हैं, तो मुझे वेट करना चाहिए दूध के लिए, उसको तो टाइम पर चाहिएगा ना। ये सारी चीज़ें परेशान करती हैं थोड़ा सा। नहीं, वहाँ रहने वाले लोग रह रहे हैं, उन लोगों की लोकल में वहाँ पे जानकारी है और उन लोगों के पास में एक टाइप से स्टॉक होता है। यहाँ पर हमारे पास भी स्टॉक है हर एक चीज़ का, खाने का भी है, दूध का भी है, एक पड़ोसियों से जानकारी है तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है हम उसको फेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम को मतलब आराम से फेस कर सकते हैं। लेकिन एक अदर स्टेट है जहाँ पर लैंग्वेज भी अदर है, अलग है हमारी, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक एक टाइम के खाने के लिए भी परेशान होना पड़ता है। हम लोग जब गए थे ना, यहाँ आए हैं जिस दिन उसमें गाड़ी की है और हम लोग रात को 10 बजे निकले थे, उसी रात का खाना हम लोगों ने कैसे खाया था वो मैं जानती हूँ। हम लोगों ने फेस किया था उस प्रॉब्लम को क्योंकि बारिश हो रही थी, बहुत बड़ी ख़तरनाक वाली बारिश उसमें, और जहाँ खाना खाने जाना था वो जगह कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर हमारा रूम था वहाँ से, और वहाँ तक जाना कोई गाड़ी वगैरह कुछ ना मिले, और ऐसे हाल में बच्चों के साथ में बुज़ुर्गों के साथ में आप लोग सोच सकते हो कैसे जाना होगा। और भूखे भी मैं रह सकती हूँ, बड़े लोग रह सकते हैं, लेकिन बच्चे नैनी शिवांश यशु ये कैसे रहेंगे, बाबू कैसे रहेगा, उसको भी तो दूध चाहिए ना। तो वो जो टाइम था ना, उस एक रात में हमने महसूस कर लिया था कि आने वाला टाइम कितना मुश्किल होगा, क्योंकि आज की रात जिस रात ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है आगे बढ़ेगा, उसी रात इतना प्रॉब्लम वाला है तो आगे कितना होएगा। उस रात को हम लोगों ने ऑटो किया था, थोड़ा सा आगे चल के वो ऑटो मिला था और उसने बहुत पहले जहाँ खाना मिलता है वहाँ से बहुत पहले हमें छोड़ दिया था। ऑटो करने के बावजूद भी हमारे जितने भी हम लोग थे ना, सब लोग भीग गए थे, माँ भीग गई थी, बाबू भीग गया था, यशु भीग गई थी, तो सब भीग गए थे, और ऊपर से हवाएँ, वो समुद्र किनारे कितनी तेज़ हवा चलती है, तो बीमार तो होने थे ना। बाबू की ठंड लग गई, अब ऐसे में दवाइयाँ भी नहीं मिलती, दवाइयाँ भी वो वाली ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो टैबलेट्स मेडिकल स्टोर से खरीद करके बच्चों को दी जाए वो ठीक हो जाएंगे, तो सारी परेशानियाँ थी। लेकिन जैसे तैसे करके भगवान की दया से, और भगवान जी ने सोचा कि इनको मैंने बुलाया तो इनको घर तक पहुँचाना भी मेरी जिम्मेदारी है, उन्होंने घर तक पहुँचाया। परेशान हालांकि बहुत ज़्यादा हुए लेकिन घर पहुँच गए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और मैं कहूँगी कि यहाँ पर दुआ करना सब लोग जो कि वहाँ पर गए हुए हैं, अपने घर वालों से बिछुड़ करके जल्दी से अपने घर पहुँचे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी सेफ नहीं है और परेशान हैं, बच्चे भी हैं जिनके साथ में, बुज़ुर्ग भी हैं, उनके लिए दुआ करना कि वो अपने घर पे पहुँच जाएँ। वैसे ट्रेनें वहाँ की बहुत सारी अभी और रद्द हुई हैं, और जिस तरीके से मेरी बात हुई है या फिर हम इनकी जानकारी थी उस तरीके से बात हुई है, उससे पता चला है कि वहाँ पर टैक्सी वगैरह भी अब नहीं चल रही है, ट्रेनें रद्द हैं, टैक्सी नहीं चल रही है, तो जाहिर सी बात है वहीं पर रहना भी पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि संस्था के थ्रू शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि आश्रम वगैरह में जहाँ पर रेंट कम लगता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जो हमारी तरह किसी होटल वगैरह में रूम लेकर रह रहे थे, वहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा लगता है, 3,000 रुपये एक दिन का पड़ता है, 2,000 रुपये एक दिन का पड़ता है, तो उन लोगों के लिए क्या हालात होंगे, तो उन लोगों की तो एकदम हालत ख़राब होनी है ना। ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि दुआ करना। और ऊपर से वहाँ के लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, जिन भैया के यहाँ पे हम लोग रह रहे थे ना जिनका होटल था, उन्होंने बहुत ही अच्छा बिहेव हम लोगों के साथ में किया। मैं इस चीज़ के लिए ये कहना चाहूँगी कि मतलब कंप्लीट गुजरात के लिए बोलूँगी कि वहाँ के लोगों का नेचर बहुत अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव हैं, और ऐसी सिचुएशन में वो लोग यही कह रहे थे कि हाँ आप लोग जाओ अपने घर पे क्योंकि कुछ भी हो सकता है, और बच्चे आप लोगों के साथ में हैं तो क्या पता कैसी बुरी सिचुएशन में आज आप लोग फंस जाओ, बच्चे परेशान होए, क्या पता कैसा टाइम आए। और उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमें यहाँ तक पहुँचने में, खुद से अकेले से इतना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम लोग जानते नहीं थे वहाँ का एरिया। तो चलो इस वीडियो का एंड करूँगी, मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ में, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और आप लोगों की दुआएं कामयाब हुई। आप लोगों ने बहुत दुआएं दी थी कि आप लोग सेफली घर पहुंच जाओगे। भगवान से दुआ करते हैं, आप लोगों की दुआएं असर कर गई, ठीक है। थकान का क्या है, धीरे धीरे उतर जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाय।